हेलो गाइस, आयाशी फ्रॉम एलयू अपडेट विद द क्लियर विद द थंबनेल इट इज क्लियर टू ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, इस पूरे वीडियो में हम लोग बेसिकली आपका सिलेबस स्टैटिस्टिकल मेथड का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे. क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा या फिर सब्जेक्टिव बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, और आपकी क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे आप बेटर स्कोर कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिलेबस, अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. ओके, सो प्लीज़ आप इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. ओके, सो देखिए, बेसिकली ये आपका जो है इस आपके इस स्टैटिस्टिकल मेथड में बेसिकली आपका क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि आपका पूरा जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है. ओके, उसमें से आपके 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल मार्क्स के ऊपर बेस्ड होता है, आपके इंटरनल असेसमेंट होता है उस पर बेस्ड होता है, और 80 मार्क्स का आपके क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम होता है. ओके, सो आपका टोटल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, बट आपको 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल आपके जो होते हैं इंटरनल असाइनमेंट होता है, इंटरनल असाइनमेंट के थ्रू और आपके प्रेजेंटेशन और आपके अटेंडेंस पे बेस्ड होता है. ओके, 20 मार्क्स, और जो आपका 80 मार्क्स होता है वो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है विद दी जो आपके यूनिट्स दी हैं उसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको 80 मार्क्स से क्या करना होगा कि आपको एग्ज़ाम देना होगा 80 मार्क्स का. ओके, सो आपको क्या करना है कि हर यूनिट में से आपको पता है कि आपकी 4 यूनिट्स होती हैं, आपको ये पता है कि आपके 4 यूनिट हैं, जो हर एक यूनिट क्या करती है आपका 20 मार्क्स कैरी करती है. ओके, हर यूनिट में से आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बट आपको हर यूनिट में 2 चैप्टर्स दिए होते हैं. ओके, हर यूनिट जो है आपकी सेकेंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ यूनिट होगी, उसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, उस दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आता है और आपको बीच में और लिखा रहता है. आपको पास चॉइस होती है कि आप उन दोनों चैप्टर में से जिस में भी आप चैप्टर ने आपने बेटर प्रिपेयर किया है, जिस भी चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से आता है वो आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और उसी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में. ओके, सो आपको चॉइस मिलती है, हर यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होते हैं, जो आपके यूनिट में 2 चैप्टर्स दिए होंगे उसमें से एक एक क्वेश्चन आएगा, और उसमें और लिखा होगा, आपको चूज़ करना होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ओके, सो देखिए, आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बेसिकली आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन. ये जो आपका यूनिट है इसमें कोई नहीं, इसमें बेसिकली आपको हर चीज़ पढ़नी होगी, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्टिंग है, ये आपका इंट्रोडक्शन है कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, कौन कौन से मैथड यूज़ होते हैं, सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के कितने मैथड होते हैं, किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आपको पता है डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी मैथड के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं आप, ये क्या है. बेसिकली आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है, ये बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा चैप्टर आपको क्या करना, ये यूनिट एक ऐसी है जो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी. ओके, क्योंकि इसमें आपका बेसिक चीज़ें दी हैं, और आपने बेसिकली 12th में और 10th में भी बेसिकली अगर जिन्होंने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है उन्होंने ये स्टैटिस्टिक का पोर्शन पढ़ा होगा, चैप्टर होता था 12th और 10th में. ओके, सो उनके लिए बेसिकली क्या है, सिर्फ ये रिवीजन का पार्ट हो जाएगा इस यूनिट में. सिर्फ आपको क्या करना है, आपने वही 10th और 12th का जो आपका सिलेबस था उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है. ओके, और हम लोग आपको बेसिकली नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ई नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और पूरा स्टडी मटेरियल आपको देंगे, और हम लोग आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे. आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स मार्केट से खरीदने की, हम लोग बहुत ही जल्दी बुक्स भी लॉन्च करने वाले हैं और अपना स्टडी मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो आप लोगों को अगर हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए और तो आप प्लीज़ क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग ने गूगल फॉर्म एक बनाया है जिसमें हम लोग स्टूडेंट का को क्या कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी हैं जिन्होंने अभी फिल नहीं किया, बेसिकली क्या है बहुत से बच्चे फिल कर चुके हैं गूगल फॉर्म में, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको लाइव क्लासेस चाहिए. ओके, हम लोग आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे
इस सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर यूनिट को, जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो जो यूनिट में से जो जो इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ओके, लाइव क्लासेस में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो आप लोगों को अगर चाहिए स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस, तो प्लीज़ आप गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा. ओके, सो क्या कर सकेंगे हम लोग, आपको प्रोवाइड कर सकेंगे आपके ईमेल पे. ओके, सो आप जो भी गूगल फॉर्म में मेंशन है, जो भी आपको डिटेल्स देनी है, वो आप प्लीज़ उसमें फिल करके सबमिट कर दीजिएगा. ओके, जिन्होंने अभी तक नहीं सबमिट किया, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको ई बुक्स और स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, सो आपका ये सेकेंड यूनिट है. सेकेंड यूनिट में बेसिकली क्या है, आपका क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन. इसमें आपका क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जनरल प्रिंसिपल फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल का, जो भी जनरल प्रिंसिपल क्या है, क्या इसको ऑब्जेक्टिव, ये भी बेसिकली जो आपका चैप्टर है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा. इसमें भी कोई भी आपके न्यूमेरिकल्स नहीं है. ओके, अब जो सेकेंड यूनिट में आपका ये जो सेकेंड चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बेसिकली आपका क्या है, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं. ओके, मैंने खुद भी देखा है, मैंने जब इसको अपीयर किया था एग्ज़ाम को, तो मैंने भी देखा था, मेरी क्लास में भी बहुत से बच्चे क्या हुए थे, फेल हो गए थे इसमें. क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या है, ये रेगुलर प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें होती है. सो आप जो भी बच्चे हैं, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, और वो मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे. ओके, सो ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है, वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें आपको मीन, मीडियन एंड मोड, इस चैप्टर में आपको ये तीन आपको पढ़ने होंगे कि मीन क्या होता है, मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसमें भी आपके डायरेक्ट मेथड होते हैं, शॉर्टकट मेथड होता है. आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको मीन निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड से निकालिए या फिर शॉर्टकट मेथड से निकालिए. तो और बहुत से स्टेप डिविशन मेथड होता है, आपके मीडियन होता है, मीडियन आपको कैसे निकालना है, उसमें भी आपको फॉर्मुलेज होते हैं बहुत सारे, आपको मोड भी फाइंड करने के लिए फॉर्मूले होते हैं. ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि आपको ये तीन यूनिट, आपको ये तीन चैप्टर, आपको क्या करें, एक ही चैप्टर में तीन टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना पड़ेगा. ओके, सो इसमें आपको क्या है, ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसमें प्रैक्टिस. ओके, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. ओके, सो आपका जो सेकेंड यूनिट में है, वो बेसिकली आपका ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो. ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, सेंट्रल टेंडेंसी. देन देयर इज अ थर्ड यूनिट, आपकी जो थर्ड यूनिट है, उसमें क्या है, आपका दो टॉपिक है, आपके दो चैप्टर्स है. मैंने बताया था हर यूनिट में दो चैप्टर्स होंगे, उसमें से आपको एक चैप्टर तो सॉलिड प्रिपेयर करना है, एक चैप्टर भी जो आपका है वो भी आप प्रिपेयर कीजिए. बट क्या हो कि आपके पास जब क्वेश्चन आए, तो आप क्या कर सके, जो आपको अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए. ओके, सो देखिए थर्ड यूनिट में भी क्या है, मेजरमेंट ऑफ अ डिस्पर्शन. इसमें बेसिकली क्या है, आपका एक मेजरमेंट ऑफ अ डिस्पर्शन चैप्टर और एक कोरिलेशन है. ओके, मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली आपका क्या है, कोरिलेशन ईजी भी है, और आप ईजिली इसमें गेन कर सकते हैं मार्क्स. और क्या है, इसमें जो भी आपका सिलेबस भी है, जो भी चैप्टर्स जो आपका सिलेबस कंटेन करता है, वो भी क्या है, बहुत ही लिमिटेड है. आपसे बेसिकली इसमें क्या है, कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछ लिया जाता है, या स्पायर मैन का आपका रैंकिंग मेथड के थ्रू आपका कोरिलेशन फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है. तो सेम इसमें क्या है, बेसिकली चैप्टर आपका जो है ना, उसमें जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्शन. डिस्पर्शन में बेसिकली क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपका रेंज हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, देयर कोएफिशिएंट हो गया, मेजरमेंट ऑफ अ स्पार्क एंड क्यू. इसमें बेसिकली क्या है, आपका आपके पास पता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, आपके जो एग्ज़ाम हैं बेसिकली वो आपके नवंबर से एग्ज़ाम है, आफ्टर 15th ओके, सो आपके पता है कि आपको एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके 15th के, सो आपके पास बहुत ही लिमिटेड भी टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास. सो आप क्या है, वो फोकस कीजिए जो आप जल्दी ग्राप कर सकते हैं, जिसमें आप मार्क्स भी गेन कर सकते हैं. ओके, सो जो थर्ड यूनिट है, वो आपका कोरिलेशन आपका हो गया, और डिस्पर्शन हो गया, जो इंपॉर्टेंट है वो कोरिलेशन है. ओके, देन देयर इज़ अ लास्ट यूनिट. लास्ट यूनिट जो है फोर्थ यूनिट, इसमें से आपके दो चैप्टर्स हैं, एक रिग्रेशन एनालिसिस है और एक इंटरपोलेशन है. ओके, रिग्रेशन में आपके लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन लाइन क्या होते हैं, और रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसी इक्वेशंस बनाई जाती हैं, एक्स वाई की इक्वेशन इसमें बनती हो. और इंटरपोलेशन जो है, उसमें भी बेसिकली आपको क्या है, उसमें अजम्पशन आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, इसका अजम्पशन क्या होते हैं,
आपके न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस होते हैं, न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस होते हैं, और लैंग्वेज मेथड होता है एक आपका, ठीक है। सो आपके ये क्या है, ये आपके दो चैप्टर्स हैं जो आपके फोर्थ यूनिट में कवर करते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको मैंने हर यूनिट में से बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे आप कर सकते हैं कवर। ओके, फर्स्ट में तो आपको इंट्रोडक्शन है, जिसके लिए हम आपको ई नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तभी आपको क्या होगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग आपको पूरा ई बुक्स, ई स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, और जिनको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है अपने क्वेश्चंस की, जो भी आपके बेसिकली आपको पता है इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, टॉपिक में, इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी जाए लीजिए, कोरिलेशन ले लीजिए, रिग्रेशन एनालिसिस ले लीजिए, इन सब में क्या है कि क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करने पड़ते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, एग्जाम में कर पाएंगे। ओके, सो आपको अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज़ उसमें गूगल फॉर्म में आप मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए, आपसे पूछा जाएगा कि आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, ज्वाइन आप स्टडी मटेरियल सिर्फ लेना चाहते हैं। वहाँ पे जिसको लाइव क्लासेस चाहिए वो लाइव क्लासेस ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, जिसको स्टडी मटेरियल सिर्फ चाहिए वो स्टडी मटेरियल पे कीजिएगा। ओके, लाइव क्लासेस में बेसिकली मैं आपको कुछ बता देती हूँ क्या क्या है लाइव क्लासेस में हमारे। बेसिकली देखिए 90 प्लस डेज आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ओके, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 10 ईयर प्रीवियस पेपर्स जो होंगे, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होंगे, उसको हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे, पूरा हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप हम लोग के पास 5 सेट ओरिजिनल पेपर के 5 सेट्स हैं, जिसको हम लोग उस आपके क्लासेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल, एंड अगर आपको ई बुक्स और स्टडी मटेरियल चाहिए, प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड किया है, उसमें जाके आप उसको फिल कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके हमारे एडमिट ग्रुप एडमिट से आप क्या कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं कोई भी आपको क्वेरी है अगर तो। ओके, एंड अगर आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज़ आप उनको भी शेयर कीजिए कि उनको भी बेनिफिट मिल सके स्टडी मटेरियल का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू।